डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज के सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा था, उसके बेस पे कुछ हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे कि क्वाड्रेंट वाइज कैसे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज कहाँ पे पॉजिटिव होंगे, किस एंगल पे निगेटिव होंगे, ये सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब उसके बाद हमारा आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो देखिए इसके लिए पहले हम लोग क्वाड्रेंट वाइज फिर से ड्रॉ करते हैं इसको, क्वाड्रेंट को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका, ये आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थोड़ा सा और इधर एक्सटेंड करते हैं, ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने इसमें क्या लिखा था, ऑल पॉजिटिव। क्या लिखा था हमने, ऑल पॉजिटिव। फिर से हम इसको ऐसा लिख रहे हैं। अब जरा देखिए यहाँ से, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल का मूवमेंट होगा वो कितने एंगल से, कितने डिग्री से कितने डिग्री बीच होगा, 0 to 90 degree। तो यहाँ पे सेकंड लाइन में लिखते हैं एंगल का फॉर्मेशन 0 to 90 degree, अगर डिग्री वाइज है तो ये, और अगर इसको रेडियन में लिखेंगे तो 0 to π/2, ये रेडियन में हो गया पाई बाई टू, क्योंकि पाई का मतलब क्या होता है 180 degree, 180 by 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 90। तो 0 degree to 90 degree लिखिए या रेडियन में 0 to π/2, ये आपका हो गया। उसके बाद जो है इसमें हम लोग अगर मान लेते हैं कि रोटेशन अगर हम लोगों ने एक कंप्लीट कर लिया है तो इसमें एंगल का मतलब ये भी हो जाएगा n into 2π + θ, ये भी तो आपका इसी सेक्शन में आएगा n into 2π + θ। और क्या लिख सकते हैं इसको, 360 into n + θ, ये भी आप इसको लिख सकते हो, यानी मल्टीपल ऑफ 360 + θ, ये आप इसमें लिख सकते हो। इसके बाद इसमें एक और पार्ट आपका आता है एंगल का फॉर्मेशन, अगर थीटा कोई वेरिएबल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/2 - θ लिख सकते हैं, π/2 - θ। अब जरा देखिए थीटा का वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो π/2 - 0 क्या आ जाएगा आपका, π/2। तो π/2 किस क्वाड्रेंट में आएगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आप यहाँ पे थीटा एंगल लेते हो कितना, आप मान लीजिए 30 degree अगर लेते हो, 30 degree का मतलब तो ये 90 degree और -30 degree करोगे तो क्या आएगा 60 degree। तो 60 degree भी किस क्वाड्रेंट में आएगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब अगर इस थीटा का वैल्यू 90 degree रखते हो तो क्या हो जाएगा, π/2 - π/2 क्या हो गया आपका, 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। तो इस एंगल, इस क्वाड्रेंट के लिए एंगल का जो वेरिएबल है वो किस फॉर्म में हम लिखेंगे, π/2 - θ भी लिख सकते हैं। तो π/2 - θ का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, n into 2π + θ का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 into n + θ का मतलब भी क्या हो गया आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आते हैं हम लोग सेकंड पे, सेकंड क्वाड्रेंट में जब आएंगे तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 degree और लेस देन 180, यानी कि 90 से 180 के बीच में आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले क्या लिखा था, ओनली, क्या लिखा था, ओनली साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव, ये लिखा था हमने, इसको फिर से लिखेंगे। अब देखिए इसमें एंगल जैसे यहाँ पे 0 to 90 था, तो ये कहाँ से आएगा आपका, 90 degree to 180 degree, और इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, π/2 to π लिख सकते हैं, यानी कि π/2 का मतलब 90 degree to 180 degree, ये डिग्री में लिखा हुआ है, ये रेडियन में लिखा हुआ है। इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपका π/2 हो गया, थीटा क्या है, π/2 से ज़्यादा होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, π/2 + θ, और इसी को लिख सकते हैं π - θ। क्यों ऐसा लिखा हमने, देखिए मैंने क्या कहा था कि इसमें जो एंगल आएगा वो 90 से ज़्यादा होगा, π/2 से ग्रेटर, तो π/2 से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब π/2 + θ, और 180 से लेस होगा इसका मतलब कि π - θ। आई बात समझ में, ये जो एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है वो 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, इसलिए हमने क्या लिखा, π/2 + θ, और इधर वाला लिमिट लेंगे तो क्या जाएगा, π - θ। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या लिया था, क्या लिखे थे हम लोग, ओनली क्या लिखा था हमने, टेंजेंट, टेन का मतलब टेंजेंट, ओनली टेंजेंट एंड को टेंजेंट मतलब कॉट, इसको मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ, को टेंजेंट क्या होगा आपका, पॉजिटिव, ये एक लाइन हो गया। सेकेंड लाइन देखिए, अब इसमें जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 180 से लेकर के 270 तक, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, तो 180 से कहाँ तक जाएगा आपका, 270, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 180 degree to 270 degree, इसी चीज़ को रेडियन में क्या लिखेंगे, π/2 3π/2, देखिए
पाई बाई टू का मतलब 19, 19 टू 3 क्या जाएगा 270, तो इसी को रेडियन के फॉर्म में हम लोग ये लिख सकते हैं। अब जरा ये वेरिएबल के फॉर्म में लिखिए, वेरिएबल के फॉर्म में जब आप ड्रॉ करोगे तो वेरिएबल के फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ये जो है पाई से ग्रेटर है यानी 180 से ज़्यादा, तो क्या लिखोगे, पाई से ग्रेटर है तो पाई प्लस थीटा, और 270 से लेस है मतलब क्या लिखोगे आप, 3π/2 माइनस थीटा। पाई से 180 से ज़्यादा है तो पाई प्लस थीटा हो गया, और 270 से लेस है यानी कि 3π/2 माइनस थीटा हो गया। मतलब ये हुआ कि पाई प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और 3π/2 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया आपका, थर्ड क्वाड्रेंट। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पे, फोर्थ पे हमने क्या लिखा था, ओनली कोसाइन, कॉस को क्या कहते हैं हम लोग, कोसाइन कहते हैं, एंड सेक को क्या कहते हैं हम लोग, सेकंड, तो ओनली कोसाइन एंड सेकंड पॉजिटिव, ये पहला लाइन। अब जरा देखिए इसमें एंगल कहां से कहां तक आ रहा है, 270 डिग्री से 360 डिग्री, तो क्या लिखेंगे यहां पे, 270 डिग्री टू 360 डिग्री, इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 3π/2 टू 2π, ये हो गया सेकंड लाइन। अब जरा देखिए एंगल 3π/2 से ज़्यादा है मतलब 3π/2 प्लस थीटा, और इसको भी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिए आप, और 360 से लेस है मतलब 2π माइनस थीटा, लेस है तो माइनस कर दीजिए, ग्रेटर है तो प्लस कर दीजिए, ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर ग्रेटर है तो प्लस थीटा कर दीजिए, और अगर लेस है तो माइनस थीटा कर दीजिए। तो ये क्वाड्रेंट 3π/2 से ग्रेटर है इसलिए 3π/2 प्लस थीटा, ये 2π से लेस है इसलिए 2π माइनस थीटा। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, मान लेते हैं कि यहाँ से हमने चला और ये एक चक्कर लगा यहाँ पे आके, फिर वापस चले और इसमें आकर के रुक गए इस क्वाड्रेंट में, यानी कि एक चक्कर हमने लगा लिया था कंप्लीट, उसके बाद दूसरे चक्कर में हम कंप्लीट ना करके यहीं पे आकर रुक गए, तो इसी को हम लिख सकते हैं और करके क्या, एन इन टू 2π माइनस थीटा। जैसे हमने यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे चले गए तो n इंटू 2π प्लस थीटा हो गया, जब इसी में रह गए तो क्या हो जाएगा, n इंटू 2π माइनस थीटा, और इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 360 n माइनस थीटा, ये भी लिख सकते हैं, यानी 2π का मतलब क्या हो गया, 360। तो ये एक एंगल का फॉर्मेशन है। फिर से स्टार्ट करते हैं, एक बार समझते हैं इस चीज़ को, ऑल पॉजिटिव, एंगल कहाँ से कहाँ तक, 0 टू 90 डिग्री, उसी को रेडियन में लिखेंगे तो 0 टू पाई बाई 2, रोटेशन आपका रहेगा तो n इंटू 2π प्लस थीटा, इसी को 360 n प्लस थीटा, और वेरिएबल के फॉर्म में क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, ओनली साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव, ये तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये क्या है, 90 से 180, तो यहाँ पे क्या लिखा, 90 डिग्री टू 180, उसी को रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 टू पाई। अब ये 90 से ग्रेटर है इसलिए पाई बाई 2 प्लस थीटा हो गया, 180 से माइनस यानी लेस है तो क्या हो गया, पाई माइनस थीटा आपका हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, ओनली टेंजेंट एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव, ये 180 से 270, तो 180 टू 270, इसी को रेडियन में लिखेंगे तो पाई टू 3π/2। अब ये देखें, ये आपका क्या है, पाई से ग्रेटर है इसलिए पाई प्लस थीटा, 3π/2 से लेस देन है इसलिए 3π/2 माइनस थीटा, मतलब ग्रेटर देन रहेगा तो प्लस थीटा और लेस देन रहेगा तो माइनस थीटा। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे, ओनली कोसाइन एंड सेकंड पॉजिटिव, इसका एंगल कहां से कहां तक जाएगा, 270 टू 360, इसी को हमने लिखा रेडियन में 3π/2 टू 2π। अब देखिए ये 270 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, 3π/2 प्लस थीटा, 360 से कम है तो क्या हो जाएगा, 2π माइनस थीटा, और इसी को रिवॉल्यूशन वाइज क्या लिख सकते हैं, n इंटू 2π माइनस थीटा, और 360 n माइनस थीटा। अब जरा देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें, अगर ये n इंटू 2π, मैंने क्या कहा था, जीरो भी हो सकता है n का वैल्यू, तो अगर ये जीरो रहेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, माइनस थीटा आ जाएगा। अगर ये जीरो रिवर्सल, एन का वैल्यू अगर आप जीरो रखते हो तो ये क्या हो जाएगा, एन इंटू 2π जीरो माइनस थीटा, तो माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज में, यानी कि क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया कि ये लाइन जो है इधर की तरफ मूव कर रहा है, देखोगे तो ये इधर की तरफ जब एंगल बनेगा तो ये माइनस थीटा हो जाएगा, और ये माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, कोसाइन एंड सेकंड पॉजिटिव, इसीलिए कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर माइनस थीटा वैल्यू है, नेगेटिव एंगल है, तो भी वो किसके बराबर होगा, पॉजिटिव के बराबर हो जाएगा। तो ये रहा आपका बेसिक स्ट्रक्चर इसका, तो ये पॉइंट्स आपको ये याद रखने होंगे। अब इसी के बेसिस पे जो है हम लोग इसका एक रूल डिसाइड करेंगे कन्वर्जेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अभी ट्रांसफॉर्मेशन का ये बेसिक था आपका, मैंने अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे वो चीज़ हमें देखना है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किस एंगल पे साइन जो है कॉस में कन्वर्ट होगा, टेन आपका कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा,
और sec आपका cosec में कन्वर्ट होगा, उसी को कहते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। तो किस कब कब वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा और कब कब केवल साइन चेंजेज होंगे, वो चीज़ हम लोग इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे। तो ये टेबल आपका, ये आपका बेसिक टेबल हो गया और इसी पे एक और हम लोग टेबल अभी बनाएंगे। तो इसको आप लोग जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख लिए। तो अब देखिए, अब हमारा जो है वो तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर था। अब इसमें दो रूल्स हैं आपके, रूल जो फॉर्म किए हुए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो पहला रूल कहता है क्या, व्हेन एंगल इज इन द फॉर्म ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू प्लस थीटा, थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा एंड थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, साइन विल चेंज अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल टेक प्लेस एज फॉलोज। यानी कि अगर आपके किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ अगर इनमें इन चारों में से कोई भी एंगल का फॉर्मेशन अगर आपको दिखता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होगा, उसमें साइन भी चेंज होंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, साइन रहेगा तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस रहेगा तो साइन में। यहाँ पर डबल एरो का मतलब ये है, यानी कि साइन का कन्वर्जन कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कॉसेक में और कॉसेक का सेक में ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा। और साथ में साइन भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, यानी किस क्वाड्रेंट में वो एंगल आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे पाई बाई टू माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट को है, पाई बाई टू माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। पाई बाई टू प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट को, फोर्थ क्वाड्रेंट। थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट को। तो क्वाड्रेंट वाइज जो है आपका साइन भी चेंज होगा, और जैसे ही पाई बाई टू या पाई बाई टू के मल्टीपल में, ऑड मल्टीपल में अगर रहेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक में। ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल कहता है क्या, व्हेन एंगल इज इन द फॉर्म ऑफ पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, टू पाई माइनस थीटा, टू पाई प्लस थीटा, देर इज ओनली साइन चेंज अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, ट्रांसफॉर्मेशन आपका नहीं होगा। अगर एंगल पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, टू पाई माइनस थीटा, टू पाई प्लस थीटा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, एन टू पाई भी हो सकता है, यहाँ पे भी एन टू पाई प्लस थीटा हो सकता है। तो इन केसेज में केवल साइन चेंज होगा, ये कन्वर्जन आपका नहीं होगा। मतलब अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आपका नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, सिर्फ और सिर्फ जब एंगल आपके इस फॉर्म में होंगे तब। तो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ साइन भी चेंज होगा, लेकिन अगर एंगल आपके इस फॉर्म में रहेंगे तो केवल उसका साइन चेंज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ट्रांसफॉर्मेशन आपका नहीं होगा। ये बेसिक रूल्स हैं। तो इन बेसिक रूल्स को आपको ये बिल्कुल याद रखना होगा, ये वाला रूल और इसके पहले वाला जो था वो चार्ट जो था टेबल आपका, वो बिल्कुल याद रखना होगा, उसी के बेसिस पे आप इसको कन्वर्ट कर पाओगे। तो अब मैं इन दो रूल्स के बिहाफ पे, इन दोनों के हेल्प से एक नया टेबल फाइनल मैं आपको बना रहा हूँ, जो कि आपको याद रखना होगा। शुरुआती दौर में आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे इस रूल के अकॉर्डिंग, तो वो बिल्कुल फिंगर टिप पे आपके हो जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ही आसानी होगी। नहीं तो बार बार आपको पेज पलटना पड़ेगा, हमेशा फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो ये बेसिक रूल है, इसको आप याद कर लो, बिल्कुल इससे शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं है। बाकी तो किसी बुक में डाके देख लो, आपको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं, बस आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन ये रूल अगर याद रहेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक से दो बार आप लिख लो टेबल को, जो मैं टेबल अभी बताने जा रहा हूँ आपको, उसको अच्छे से समझ लेना। इसी रूल के यूज करके मैं टेबल प्लॉट करूँगा, ठीक है? तो इस रूल को अच्छे से आप याद रखना। तो देखिए, फाइनल हमारा चार्ट जो है, अब इसको मैं फिल करना है। इधर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, और इधर आपके एंगल का फॉर्मेशन जो दोनों रूल्स में मैंने डिस्कस किया था। तो पहला मैंने लिया है निगेटिव एंगल के लिए, माइनस थीटा। माइनस थीटा क्यों, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर इधर की तरफ ये एंगल जाएगा तो ये क्या कहलाएगा आपका, माइनस थीटा। यहाँ समझिएगा ठीक से, यहाँ पे क्या हो गया आपका, माइनस थीटा आपका हो गया। तो माइनस थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक दोनों क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव होते हैं। यानी कि अगर निगेटिव एंगल के लिए कॉस का फंक्शन अगर हो और सेक का फंक्शन हो तो वह क्या होगा, वो पॉजिटिव एंगल में ही काउंट होगा। बाकी सारे इसमें क्या होते हैं, स्क्वाड्रेंट में आपके निगेटिव होते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे साइन माइनस थीटा, तो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉस क्या होता है आपका, पॉजिटिव। टेन आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस टेन थीटा। कॉट क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। सेक क्या हो जाएगा, देखिए कॉस और सेक दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये क्या आएगा आपका, सेक थीटा। कॉसेक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉसेक थीटा। तो ये तो हो गया आपका निगेटिव एंगल के लिए। अब आते हैं हम लोग सेकेंड आपका क्या है, पाई बाई टू माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा, पाई बाई टू माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को।
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव। ये ध्यान रखिएगा रूल नंबर फर्स्ट आपका जो पहला वाला चार्ट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं आपके? पॉजिटिव होते हैं। और पाई बाई टू माइनस थीटा जो है पिछले वाले चार्ट में देखिएगा किस क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कर रहा था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यूज यहाँ पे आएंगे सारे के साइन क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। तो साइन तो आपका क्लियर हो गया कि सारे पॉजिटिव, यानी कि साइन का हमारा टेंशन फ्री हो गया। अब आते हैं पाई बाई टू माइनस थीटा। तो रूल नंबर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का कि पाई बाई टू माइनस थीटा रहेगा तो साइन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए साइन तो चेंज होगा नहीं। उसके बाद क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन, साइन का कॉस में और कॉस का साइन में। तो देखिए साइन पाई बाई टू माइनस थीटा अगर एंगल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कन्वर्जन किस में? कॉस में। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका? कॉस थीटा। कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा। क्योंकि लिखा था मैंने ना साइन का, इस तरह से मैंने लिखा था यहाँ पे कि साइन थीटा, साइन साइन लिखा था, थीटा नहीं, थीटा तो मैं तो बाई डिफॉल्ट देना है। साइन का कॉस में और कॉस का क्या लिखा था हमने? साइन में। तो साइन का कन्वर्जन हो गया इस एंगल के लिए कॉस में, कॉस का कन्वर्जन हो गया साइन में। उसी तरीके से टेन का कन्वर्जन पाई बाई टू माइनस थीटा पे क्या हो जाएगा आपका? कॉट थीटा। कॉट रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका? टेन थीटा। सेक के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा आपका? कॉसेक थीटा। और कॉसेक के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा आपका? सेक थीटा। ये रूल नंबर फर्स्ट। अब जरा आते हैं हम लोग पाई बाई टू प्लस थीटा। अब ये ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप ये देखो कि किस क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है ये। तो पाई बाई टू प्लस थीटा यानी पाई बाई टू से ज़्यादा है तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। मैंने लिखा भी हुआ उसमें, उस क्वाड्रेंट वाले चार्ट में। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक। तो साइन और कॉसेक कहाँ पे? यहाँ पे है। यानी ये दोनों वाले ब्लॉक में सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या रहेंगे आपके? निगेटिव। तो यहाँ पे पहले माइनस, यहाँ माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ये दोनों तो प्लस में रहेंगे, साइन का टेंशन खत्म। अब देखिए रूल नंबर फर्स्ट पाई बाई टू प्लस थीटा एंगल था तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा किस में? साइन का कॉस में। तो यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा आपका? कॉस थीटा। कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। अब कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर साइन थीटा है, साइन थीटा तो आपका पॉजिटिव होता है। नहीं नहीं, साइन थीटा नहीं, एंगल तो इसके साथ तो आप कंपेयर करोगे ना। कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा यानी कॉस का एंगल किस में जा रहा है आपका? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कॉस का एंगल जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो कॉस का एंगल क्या होगा आपका? साइन माइनस। इसलिए पहले ही मैंने माइनस कर दिया था। कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से हो रहा है? पाई बाई टू की वजह से, इसलिए कॉस का कन्वर्जन हो गया माइनस साइन थीटा। उसी तरीके से अगर टेन पाई बाई टू प्लस थीटा है तो साइन तो हमारा पहले ही चेंज हो गया है, अब ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो टेन का ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है? कॉट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कॉट थीटा। कॉट का किस में हो जाएगा? टेन में। सेक का किस में हो जाएगा? कॉसेक में। और कॉसेक का किस में हो जाएगा आपका? सेक में। तो देखिए सिर्फ साइन वाला जो है और कॉसेक वाला, ये दोनों आपके पॉजिटिव हैं। क्यों? क्योंकि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में था आपका? सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सारे आपके नेगेटिव। अब आते हैं पाई माइनस थीटा के लिए। पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? पाई का मतलब 180 और माइनस हो रहा है मतलब 180 से लेस। तो 180 से लेस देन किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर से 180 से लेस देन सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होता है आपका? पॉजिटिव। बाकी सारे क्या? नेगेटिव। यानी कि फिर से ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक का साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। बाकी चारों ब्लॉक क्या रहेंगे आपके? नेगेटिव। तो माइनस 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 एंड माइनस। अब जरा देखिए यहाँ पे पाई माइनस थीटा है तो रूल नंबर टू, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, टू पाई माइनस थीटा, टू पाई प्लस थीटा जब रहेगा तो केवल साइन चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो साइन तो हमने पहले चेंज कर दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं, मतलब साइन का कॉस में नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। तो यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? साइन थीटा ही लिखेंगे। कॉस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस थीटा ही लिखेंगे। टेन है तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा ही लिखेंगे। केवल साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कॉट थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सेक थीटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कॉसेक थीटा। बस रूल आपको याद रखने फर्स्ट और सेकेंड। अब आते हैं हम लोग पाई प्लस थीटा पे। पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा का मतलब 180 से ग्रेटर, मतलब 180 से ग्रेटर का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है? टेन और कॉट। तो टेन और कॉट आपका, तो टेन का कौन सा है? ये वाला ब्लॉक, और कॉट का है ये वाला ब्लॉक। ये दोनों ब्लॉक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे आपके क्या होंगे? निगेटिव। तो पहले साइन आपने मैंशन कर दिया। अब आते हैं कन्वर्जन पे। पाई प्लस थीटा है तो पाई प्लस थीटा पर रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? सिर्फ साइन चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आपका नहीं होगा। यानी कि साइन है तो साइन ही रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टैन। कोई ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा, केवल साइन चेंज हुआ आपका।
ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग sec, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग cos sec थीटा। अब आते हैं हम लोग 3 पाई बाई टू माइनस थीटा पे। 3 पाई बाई टू है माइनस थीटा, यानी कि 3 पाई बाई टू का मतलब 270 डिग्री, और माइनस हो रहा है मतलब 270 से लेस, तो 270 से लेस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव, तो इसको भी नेगेटिव कीजिए, इसको नेगेटिव कीजिए, इसको नेगेटिव कीजिए, और इसको नेगेटिव कीजिए। पहले नेगेटिव हमने कर लिया, अब जरा देखिए साइन तो चेंज हो गया। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ट्रांसफॉर्म किस में होगा, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉस, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन, यहाँ पे टेन का क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा। यहाँ पे साइन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ना, क्योंकि 3 पाई बाई टू है और ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए क्या होगा टेन पॉजिटिव। तो टेन का कॉट थीटा हो गया, कॉट का यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा। अब आते हैं 3 पाई बाई टू प्लस थीटा। 3 पाई बाई टू प्लस थीटा का मतलब 270 से ग्रेटर, यानी 270 से ग्रेटर मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। 270 से ग्रेटर मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक आपका पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव हो गया। कॉस वाला लाइन पॉजिटिव और सेक वाला लाइन भी आपका पॉजिटिव, साइन चेंज हो गया। अब जरा देखिए 3 पाई बाई टू है रूल नंबर फर्स्ट, 3 पाई बाई टू जब एंगल रहेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, साइन चेंज के साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। तो साइन का ट्रांसफॉर्मेशन किस में, कॉस में, कॉस का किस में साइन में, टेन का किस में कॉट, ये क्या हो जाएगा आपका टेन, ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक, और ये क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा। इस तरह से आपका खोया करो। अब आते हैं नेक्स्ट 2 पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे कर देते हैं 2 पाई प्लस थीटा। तो 2 पाई माइनस थीटा यानी 360 से लेस, तो 360 से लेस का मतलब अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक आपका पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और ध्यान दीजिए रूल नंबर सेकंड, 2 पाई माइनस थीटा रहेगा अगर एंगल, तो क्या होगा केवल साइन चेंज होता है, जो हम लोगों ने कर लिया, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा, यानी साइन है तो साइन ही रहेगा एज इट इज, नो चेंज। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, राइट। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग 2 पाई प्लस थीटा पे। 2 पाई प्लस थीटा का मतलब क्या होगा, 2 पाई का मतलब हो गया 360 से ज़्यादा, तो 360 से ज़्यादा का मतलब यहाँ से आपने चलना शुरू किया एक रिवॉल्यूशन, यानी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया, उसके बाद यहाँ पे आ गए, यानी कि आपने यहाँ से चलना शुरू किया यहाँ पे आ गए, तो ये 360 हो गया, यहाँ से चल कर शुरू किया यहाँ पे। अब प्लस थीटा का रहा है, मतलब कि प्लस थीटा का मतलब कहाँ आ गया, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। अब देखिए एंगल 2 पाई प्लस थीटा रूल नंबर सेकंड, केवल साइन चेंज होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा का सारा पॉजिटिव, ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं, क्योंकि रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि एंगल इस फॉर्म में होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका नहीं होगा। इसका मतलब जो है वैसा लिख दीजिए, तो साइन थीटा सारे पॉजिटिव रहेंगे, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो ये रहा आपका ट्रांसफॉर्मेशन टेबल। तो रूल फर्स्ट टू रूल्स आप याद रखिए, और उसके पहले वाला पेज पे जो आपने चार्ट बनाया था एंगल का वो याद रखिएगा, तो ये टेबल आपका इजीली ड्रॉ हो जाएगा। और इसको जो है आप खुद से एक या दो बार, कम से कम खुद से एक बार तो आपको ये नोट कर लेना है, रूल को याद रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन रूल कब कब होंगे एंगल को, एक दो बार आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद इजीली आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। और दो तीन बार प्रैक्टिस करने के बाद आप कैसा हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, तो पाई बाई टू प्लस थीटा सोचोगे कहाँ पे आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई बाई टू है कन्वर्जन होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका पॉजिटिव, तो साइन का कन्वर्जन किस में कॉस कॉस थीटा, तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये टेबल आपका हेल्पफुल होगा किसके लिए, वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल एक हम लिख लेते हैं, देखिए मान लेते हैं यहाँ पे अभी तक आपको 0 से 90 डिग्री तक का ही वैल्यू आपको पता था ना, अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपको वैल्यू पता करना है साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। अब इस टाइप के वैल्यू जो है हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 120 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, क्योंकि 180 में से अगर आप 60 को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा 120 लिख सकते हैं। अब देखिए जरा सा, 180 का मतलब मैंने क्या बताया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई,
होता है ना, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। और माइनस 60 को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 3 लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तभी चलेगा। तो ये देखिए, इसको चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, 180 माइनस 60 रहने दीजिए, यहीं से समझिए आप। पाई का मतलब 180 और थीटा कितना हो गया, 60 हो गया। इससे कंपेयर करो, पाई माइनस थीटा दिख रहा है, पाई का मतलब ये तो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो साइन पाई माइनस थीटा रूल क्या कहता है आपका, साइन थीटा, मतलब दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन 60, थीटा की जगह पे 60 है। अब तो साइन 60 का वैल्यू आपको पता है ना, तो साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, रूट 3 बाई 2। मतलब साइन 60 का वैल्यू और साइन 120 का वैल्यू क्या आ गया आपका, रूट 3 बाई 2 आ गया। अब जरा देखिए, एक और एग्जाम्पल लीजिए, साइन 240 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन 180 प्लस 60 लिख सकते हो, यानी कि साइन 180 प्लस 60 का मतलब साइन पाई प्लस थीटा। देखो साइन पाई प्लस थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा, यानी कि दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, रूट 3 बाई 2, यानी कि माइनस ऑफ रूट 3 बाई 2 आ गया। तो हम लोगों ने पिछला जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यहाँ पे थीटा 240 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में, और हमने देखा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, आ गया नेगेटिव आपका। हमने ये भी देखा था कि 120 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, आ गया पॉजिटिव वैल्यू आपका। तो साइन 120 इक्वल टू रूट 3 बाई 2 एंड साइन 240 इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2। तो इस तरह से वैल्यूज जो है, इस टेबल अगर हमें याद रहेगा तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इस बेसिस पे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने 10th क्लास तक सिर्फ यही पढ़ा था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 90 से आगे तक आप नहीं पढ़ पाए थे इस फॉर्मूले से, अब इस फॉर्मूले से आप कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये टेबल आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसी बेस पे आपके क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको ये टेबल नहीं याद रखना होगा, पूरी फिंगर टिप पे होना चाहिए कि साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 आपको याद रखना है, और उसके पहले वाले दो टेबल, उसके बिहाफ पे आप कोई भी क्वेश्चन को, इस तरह के वैल्यूज को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।